प्रज्वलित करते हुए मतलब छीलते हुए उसे और प्रज्जवलित करती हुई ऐसा मतलब यहाँ पे कभी के भाव हैं विद स्वप्नर स्वप्नर से उसे छील रही उसे प्रज्वलित कर उसे जला रही है ऐसा मानते हैं द स्काई ऑफ द वाइट पेपर और ये जो स्काई ये जो पूरा आसमान है ये कैसा है वाइट पेपर का आसमान है बींग विद द फील्ड विथ लाइट अब ये क्या होने वाला है ये जो आसमान है वाइट पेपर का जो आसमान बनाया है इसने अब ये उजालों से भरने वाला है लाइट से भरने वाला है द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री जो काले पक्षी हो पेड़ से दूर दूसरी ओर दूसरी दूर दिशा में जा रहे हैं ग्लासेस ऑन द आई ऑफ पीकॉक और ये ग्लासेस मतलब चश्मा पहन रखा है किसने मोर ने अपनी आँखों पर पे चश्मा पहन रखा है द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द स्काई और ये जो चैरियट था जो रथ है वो कैसा है फायर जलता हुआ रथ आग का रथ आकाश में हवा में उड़ रहा है द एरोप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड और एरोप्लेन कहाँ पे चलते हैं वो रोड पे रनवे पे चलते हैं लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चे की कल्पना है उसकी बेटी की उसकी पुत्री की कल्पना है कि एरोप्लेन क्या हो रहा है रोड पे चल रहा है द लॉय हैविंग और जो शेर है वो किससे गाय के साथ बातें कर रहा है अ वन आई सन ऑन अ ब्लैक ट्री और एक आँख वाला जैसा सन कैसे उसके एक आँख खुले ऐसे एक आँख मारता हुआ एक आँख वाला सूरज काले पेड़ पे है विद पैच ऑफ क्लाउड ऑवर विद द पैच ऑफ अब किसके साथ है यहाँ पे देखिए पैच का मीनिंग क्या होगा पैच मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा विद द पैच ऑफ क्लाउड और इट उसके जो क्लाउड है और उसके ऊपर से वो क्या रखा है एक छोटे कपड़े का टुकड़ा रखा है ये मतलब किसी चीज को सजाने वजाने के लिए कपड़े का यूज करते हैं और ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द हेड ऑफ द क्लाउड अब इस क्लाउड के माथे पर क्या हो रही है एक प्यारी सी ब्लू कलर की मछली उड़ रही है फ्लाइंग कर रही है द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वॉटरफॉल और जो वाटरफॉल है जहाँ से पानी गिर रहा है झरना जैसा वहाँ पे क्या हो रहा है एक बटरफ्लाई एक तितली स्विमिंग कर रही है तैर रही है आते हैं नेक्स्ट लाइन में माई डार्लिंग डॉटर मेरी प्यारी बेटी मेरी प्यारी बच्ची इन हर एस्टेसी वो कहाँ पर हो अपने परमानंद में हो एकदम बहुत ही खुश है बहुत ही उत्साहित है एकदम उमंग से भरी हुई है इन बीजी ड्राइंग और अपनी ये जो ड्राइंग जो यहाँ पर हमने बात की ऐसी अजीब व गरीब जो ड्रॉइंग उसमें क्या है विचित्र ड्राइंग बनाने में बिजी है स्ट्रेंज पिक्चर उसके पिक्चर कैसे एकदम अजीब है विशिष्ट पिक्चर बनाने में व्यस्त है बट वैन द स्कूल मास्टर गिव हर होमवर्क लेकिन जैसे ही स्कूल मास्टर उसे होमवर्क देते हैं तो क्या होता है माए डार्लिंग डॉल मेरी प्यारी गुड़िया माई डार्लिंग डॉलमिन मेरी प्यारी गुड़िया ब्रेक द पेंसिल और पेंसिल का जो टीप है जो नुकीला से उसने शॉर्पनर से उसको उजालित छील के रखा है उससे क्या करती है तोड़ देती है इन एंगर गुस्से में इसे तोड़ देती है एंड द कैंडल ऑफ देंसिल इज एक्सीड अब जो कैंडल ऑफ द पेंसिल अब ये जो पेंसिल का कैंडल हम समझ रहे थे जिससे उसने आकाश में क्या भरे थे कलर भरे थे उजाला फैलाया था जिसे में जलाया था अब उसे वो बुझा देती है एक्सटिंग मीन्स बुझा देना तो इस पेंसिल ये कैंडल रूपी पेंसिल को मोमबत्ती रूपी पेंसिल को ये बुझा देती है ओनली द स्मोक रिमेन अब यहाँ पे पूरा धुआं धुआं ही अब क्या बचा है कुछ नहीं सब जो इसने अभी तक जो कल्पना हमने की थी अजीब वगैरह सब मिट गई सिर्फ धुआं ही बचा है ऑन द स्काई ऑफ द पर और ये वाइट पर का जो स्काई बनाया था इस पर क्या बचा है सिर्फ धुआं धुआं सा ही बचा है तो दोस्तों ये पोएम लिखी जैन पर में और ट्रांसलेट बाई बैदार भक्त तो ये दोस्तों तो आपको ये पोएम कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा और मोर नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नॉलेज इस करेंसी सी यू नेक्स्ट वीडियो बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग